सचिन पायलट जिंदाबाद, बड़े भाई सचिन पायलट जिंदाबाद। भाई मेरे को 5 मीटिंग और करनी है, मैं इसका थोड़ा पीछे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, किसान साथियों, प्यारे बच्चों, आज यहां पर लोकसभा चुनावों के लिए हमारी पार्टी के उम्मीदवार खड़गे जी के, राहुल जी के, हम सब के एक नौजवान उम्मीदवार के पक्ष में मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं। हमेशा की तरह समालखा के लोगों ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है, आज आपने जो मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। और मैं आपके बीच में निवेदन करने आया हूं, ये चुनाव लोकसभा के देश में नई सरकार बनाने के चुनाव है। और आप सब लोग समझदार लोग हो, हरियाणा का एक एक व्यक्ति जानता है कि आने वाले समय में इस प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। और कांग्रेस की सरकार बने, इसके लिए जरूरी है कि सभी सीटों पर लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवार जीत कर जाएं। और ये नौजवान हमारा यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा, NSUI का अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, और अब लोकसभा का टिकट लेके आ गया। और इन नौजवानों का अलग एक गिरोह बना हुआ है। एक मेरा विधायक है राजस्थान का, जो अभी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, अभिमन्यु पूनिया, हनुमानगढ़ से विधायक है। अभिमन्यु पूनिया ने मेरे प्राण पी लिए कि भाई इसको बुद्ध राजा के यहाँ मीटिंग करके आनी आनी है, इसलिए मैं सारे काम छोड़कर आज सुबह सुबह आपके बीच में आया हूँ इस मंडी में, आप लोगों से आवेदन करने के लिए कि इस नौजवान को मदद करो, उसको आशीर्वाद दो। हमारे सामने कौन उम्मीदवार है आप जानते हो, मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का होगा। अब भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सवाल यह है कि आज उम्मीदवार क्यों हैं? 9.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, अगर इतना बढ़िया काम किया होता, अगर हरियाणा का एक एक व्यक्ति उनको चाहता, उनके प्रशासन के, सरकार की नीतियों के लोग प्रशंसक होते, तो उनको पद से क्यों हटाते? और पद से हटाया था तो कहीं ना कहीं कमी होगी, और कमी थी तो टिकट क्यों दिया लोकसभा का यहां लड़ने के लिए? मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया है, उस घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है, पहली बार देश में किसानों को उनकी फसल की खरीद पे एक कानून बनने जा रहा है। यहां मंडी में हम खड़े हैं, जो बिचौलिए हैं, काला बाजारी करने वाले लोग हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए 10 साल से इस केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार ने कुछ नहीं किया। पहली बार देश में कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि जो MSP होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसके लिए कानून बनेगा ताकि किसान को फसल का पूरा पैसा मिले, ये घोषणा कांग्रेस पार्टी ने करी है। हम लोगों ने कहा देश में जो सबसे गरीब परिवार है, प्रत्येक परिवार को सालाना 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद हम लोग देंगे, उनके खाते में पैसा पहुंचेगा। इस देश की सरकार ने चंद लोगों के लाखों करोड़ कर्जा माफ कर दिए, 16 लाख करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिए। तो देश में जो सबसे गरीब परिवार हैं, उनके घरों में 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने करी है। हम लोगों ने कहा जो नरेगा के काम चलते हैं, रोजगार का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया था। हमने कहा जो दिहाड़ी मिलती है अभी 200-250 रुपए मिलती है, उसको 400 रुपए करेंगे। जो महंगाई का हाल हो गया है, जो बेरोजगारी, शिक्षित लड़के लड़कियां भटक रहे हैं, उनको रोजगार देने को तैयार नहीं है। 30 लाख पद खाली पड़े भारत सरकार के, उन 30 लाख पदों को भरने का काम हमारी सरकार करेगी। ये सब तब संभव होगा साथियों, जब आप अपना आशीर्वाद और अपना वोट कांग्रेस पार्टी को और हमारे नौजवान उम्मीदवार को आप दोगे। मैं जानता हूं अभी चुनाव में 2-5 दिन का समय है, बहुत से नेता आएंगे, बहुत से भाषण देंगे, अलग अलग तरह की बातें बोली जाएंगी, लेकिन मैंने देखा है जो जनप्रतिनिधि, नौजवान आपके लिए भाग दौड़ कर सकता है, मेहनत से, सच्चाई से आपकी सेवा कर सकता है, वैसा और कोई नहीं कर सकता। हमें जाति बिरादरी सब भूलकर इस पंजे को, कांग्रेस के निशान को याद रखना है, और कांग्रेस पार्टी की पूरे उम्मीदवार पूरे देश में, कल मैं उड़ीसा में था,
एक ऐसा बदलाव का माहौल है पूरे देश में, आज लोग बदलाव चाह रहे हैं। और मैं जानता हूं कि हमारा इंडिया का गठबंधन और कांग्रेस के उम्मीदवारों को लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारा बगल का प्रदेश राजस्थान, जहां से मैं आता हूं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। इसलिए हरियाणा में विधानसभा के चुनाव कुछ महीने बाद होंगे, उसकी एक झलक आपको लोकसभा में दिखानी है। और भाजपा की सरकार केंद्र की कैसी सरकार बनी है, दो दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रखा है, किसानों के खिलाफ तीन काले कानून बनाए, और आप सब जानते हो दिल्ली में जाके डेढ़ दो साल तक किसानों ने धरने दिए, सैकड़ों किसानों की मौत हो गई, तब जाके इन्होंने अपने कानून वापस करे हैं। नोटबंदी लेकर आ गए, जीएसटी लेकर आ गए, और पूरे देश में जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, अंकुश लगाया जा रहा है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की, चलते चुनाव में कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते सीज कर दिए। निर्वाचन आयोग, चंडीगढ़ में चुनाव चल रहा था महापौर का, आप सबने देखा होगा, निर्वाचन अधिकारी खुद बैठ के वोटों को खराब कर रहा है, वो तो कैमरे में पकड़ा गया, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने दस्तक दी बीच में। सारी संस्थाओं को, न्यायपालिका को, निर्वाचन आयोग को, संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर करने का काम इस सरकार ने किया है। और ये विपक्ष मुक्त बनाना चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं। अरे 400 पार तो राजीव गांधी के साथ सांसद थे 1984 में, आप में से कभी किसी ने सुना कि राजीव गांधी जी ने बोला हो कि मैं विपक्ष मुक्त बनाना चाहता हूं या भाजपा को खत्म करना चाहता हूं? ये सपने ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ ना सिर्फ देश में सरकार बनाएगी, लेकिन हरियाणा में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, किसानों की सरकार बनने जा रही है, नौजवानों की सरकार बनने जा रही है। मैं तो आप लोगों से निवेदन, और कल बहुत कम समय में यहाँ पर आने का कार्यक्रम बना, बहुत से हमारे साथी बोलना चाहते थे, कुछ लोग हमारे साथ आज पार्टी में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। और जितने मंच पर नेता बैठे इन सब लोगों से माफी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे आज 5 मीटिंग और करनी है, लेकिन मेरा मन था कि इस नौजवान बुद्ध राजा के लिए आपके बीच में आऊं, आपसे वोट मांगूं। और आप सब जानते हो साथियों, ये वो संभाल का है जहां स्वर्गीय पायलट साहब का बहुत पुराना रिश्ता है, और इस क्षेत्र से हमारे परिवार का एक अटूट संबंध बना हुआ है सन 87 से। यहाँ जो बड़े बुजुर्ग बैठे आप जानते होंगे, तब से लेकर आज तक ये पट्टी कल्याणा गांव से लेकर दिल्ली तक जो एक लहर उठी थी कांग्रेस वालियों की, उस मूवमेंट में, उस जोश में आप सब हमारे साथ रहे थे। आज इतनी भीषण गर्मी में सुबह सुबह आप लोग यहाँ पर आए, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन इस बात का मैं आश्वासन चाहता हूँ, जब 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, हम सब एक एक वोट के मालिक हैं। पहली बात तो वोट डालनी है, दूसरी बात जवान और किसान की कोई जाति बिरादरी नहीं होती, हमें नौजवानों का साथ देना है। और राजस्थान में मैं राजनीति करता हूँ, इतिहास गवाह है, जितना हो सका हमने नौजवानों को आगे लाए हैं, चाहे विधायक बनाने में मदद करनी हो, सांसद बनाने में मदद करनी हो। इसलिए हरियाणा में भी सबसे कम उम्र का हमारा उम्मीदवार है, मैं चाहता हूं आप सब दोनों हाथों से आशीर्वाद दो, इसको अपना उम्मीदवार बनाकर भेजो। और मैं आपको आश्वासन करता हूं, दिल्ली जाकर आपका बेटा, आपका पोता, आपका भतीजा, आपका भांजा बनकर आपकी सेवा करेगा, और नहीं करेगा तो मैं कान पकड़ लूंगा इसकी, आप चिंता मत करो। लेकिन मेहनत करके उसको आशीर्वाद दो, और दोनों हाथ खड़े कर उसको बताओ कि जिताएंगे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम सा। मैं अब हमारे बीच में रविंदर छोकर जी जो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं चाहूंगा आदरणीय सचिन पायलट जी और हमारे बड़े भाई कंवर सिंह छोकर जी साथ आकर उनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराएं। हमारे बीच में धर्म सिंह छोकर जी के भाई कंवर सिंह छोकर जी और सम्मानित सभी नेता मौजूद हैं, तो मैं 2 मिनट चाहूंगा कि कंवर सिंह छोकर जी आकर धन्यवाद करें। भाई थोड़े समय में आप लोगों ने सचिन पायलट जी का इतना आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सिर्फ 5 घंटे की रैली है भाई, 5 घंटे की, कुल 5 घंटे की। मैं सचिन जी से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय कोई मौका मिला आपका बड़ी तादाद में स्वागत करेंगे। मैं आज माफी चाहता हूँ, छोटा स्वागत होया, बहुत बहुत धन्यवाद।